एंड यू वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन, वेलकम बैक। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा टायर्ड हैं इसलिए फटाफट निपटाएंगे, है ना। आज के सवाल लेके आ जाइए, तुरंत तुरंत सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे आज हम, क्योंकि आज हमारी जो है तबीयत है नासाज, और हम ज़रा एक बारी यहाँ पर पोजीशन ले लेते हैं, ठीक है। क्या सवाल है? वॉट इफ़ वी डू मॉडरेट एक्सरसाइज एंड डेली इनटेक हाई प्रोटीन डाइट लेके क्या है? अरे यार एक मिनट होल्ड करिएगा, सवाल ऐसे ऐसे खतरनाक। ओके, वन सेकेंड मैं रुका इसकी सेटिंग के लिए, मुझे लगा मेरे हाथ में ताकत बहुत है, सेल्फी सेल्फी खेलेंगे, लेकिन हाथ अभी बोल रहा है कि बेटा डोंट डू दैट, आराम से बैठो, सेल्फी सेल्फी खेलने की जरूरत नहीं। राइट, लेट्स सी ये टिकता है कि नहीं। ओके, सो सॉरी फॉर दैट। हाँ, लेट्स सी सवाल, सवालों के जवाब। सर, व्हाट इफ यू डू मॉडरेट एक्सरसाइज डेली एंड टेक हाई प्रोटीन डाइट 5 ग्राम पर केजी, इफ इट इज गुड आवर बॉडी, लोग बोलते हैं। अरे अरे, कौन है नागालैंड भाई साहब, क्यों कॉल कर रहे हो? व्हाट इफ यू डू मॉडरेट एक्सरसाइज डेली एंड टेक हाई प्रोटीन डाइट 1.5, इज इट गुड इफेक्ट? हाँ जी बिल्कुल, गर्मी कैसे गर्मी होगी भाई साहब, ऐसा है हर प्रोटीन डाइट में गर्मी होगी, ठीक है। आप यू आर सपोज टू हैव गर्मी इनसाइड यू, ठीक है। दैट्स व्हाई हम ये प्रॉब्लम ये कि हम मैनेज नहीं कर पाते, राइट। गर्मी प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट से गर्मी होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप प्रोटीन ही खाना बंद कर दो, दैट इज़ टोटली रॉन्ग, दैट इज़ नॉट व्हाट यू आर सपोज टू डू, गॉट माई पॉइंट? कैसे करें, हाँ ये ठीक है, राइट। सो प्रोटीन खाना बंद कर देना कोई इलाज नहीं है, कोई सलूशन नहीं है, कोई ये नहीं है, आप बिल्कुल ले सकते हो, कोई गर्मी नहीं होती, बस पानी आपको ठीक से पीना है। द ओनली रीज़न वाई यू कैन हैव अ प्रॉब्लम विद दैट इज़ दैट अगर आप पानी ठीक से ना पिए तो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। भाई जानवरों को देख ले, मांसाहारी लोग होते हैं बिंदास, सिर्फ चिकन ही चिकन, मटन ही बटन खाते हैं, तो क्या वो गर्मी गर्मी से तुम मर जाना चाहिए, है ना, ऐसा थोड़ी होता। How do you get remnants of medication from the body? What can be done not to do at own? ये क्या हुआ, ये सवाल मुझे समझा नहीं। Remnants of medicines, what do you mean by remnants of medicine? Medicine के remnants को you have to get. Kamal ji, please rephrase your question, I don't understand this. Medicine remnant नहीं होते, medicine जब आप खाते हो तो मेडिसिन गेट मेटाबोलाइज्ड, राइट, मेडिसिन्स गेट मेटाबोलाइज्ड, एंड मेटाबोलाइज होके वो अपने एक्टिव फॉर्म में आती है या फिर इनएक्टिव फॉर्म बन के निकल जाती है। इट टेक्स टाइम, हर एक मेडिसिन का एक हाफ लाइफ होता है, कोई मेडिसिन 4 घंटे, कोई 8 घंटे, कोई 2 दिन, कोई 1 हफ्ता। सो मेडिसिन सारी ऐसी तरह से यूज़ होगी, राइट, सिर्फ वो मेडिसिन आपके अंदर रेमिनेंट रह जाएगी जो कि मेटाबोलाइज नहीं हो सकती है, ओके, या आपके अंदर कुछ है नहीं उसको मेटाबोलाइज करने के लिए। हाँ यार मुदित जी, ध्यान तो रख रहा हूँ, पर पता नहीं आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज वीडियो वीडियो कुछ नहीं बनाया, बस सो ही पड़े थे। सुपर इंडिया फिट सर, आई कंज्यूम एवियन 600 विटामिन ई, विकासूल, अश्वगंधा, विटामिन डेली, इट इट सेफ, वाई ए, इफ नॉट वाई नॉट? इट सेफ माई फ्रेंड, इट सेफ, नो प्रॉब्लम, इट सेफ, बट फॉर द अप्रूवल ऑफ द, अच्छा, बट फॉर द अप्रूवल ऑफ अ ड्रग ओनली 6 मंथ ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग ऑन ह्यूमन इज इनफ। ऐसा है, एक्सपेरिमेंटिंग ऑन द ह्यूमन इज नॉट 6 मंथ का सिर्फ, वो आगे ख़त्म नहीं हो जाती, राइट, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होता रहता है, इसीलिए आप सुनते हैं एलोपैथिक मेडिसिन बैन हो गई, क्योंकि वो मेडिसिन आगे चल के लार्ज स्केल में, हज़ारों में, लाखों में लोगों में एक्सपेरिमेंट होती है एक छोटे रीजन में, राइट, नॉट 6 मंथ, एक कंट्री के एक छोटे रीजन में वो मेडिसिन पहले मार्केट की जाती है, फिर वहाँ से जो भी टाइम का सर्वेलेंस लिया जाता है, फिर पूरी दुनिया में बांटी जाती है, और इवन इफ दे उसके बाद भी सर्वेलेंस बंद नहीं होता, यही फ़ायदा है FDA से अप्रूव्ड होने का, कि वो सर्वेलेंस करती रहती है। देखिए करप्शन अलग चीज़ है, वो छोड़ दो, पैसे खाने वाले लोग हर जगह हैं, लेकिन सिस्टम तो है ना भाई साहब, इंडिया में भी सिस्टम तो है ना, वो मेन चीज़ समझिए कि सिस्टम है, एलोपैथी में, आयुर्वेदिक में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, होम्योपैथी में तो है ही नहीं, और यही प्रॉब्लम है, आयुर्वेदिक में ऐसा सिस्टम नहीं है, इसलिए उसमें एलोपैथिक मेडिसिन मिला के दिया जा सकता है, बात समझ रहे, होम्योपैथी में भी, सो यू नेवर नो व्हाट यू आर टेकिंग, राइट। सर, इज फ्रीक्वेंटली हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉलनट, अमंड, पीनट्स इंक्रीजेज ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल? एक्चुअली देर इज अ डॉक्टर फ्रॉम साहोल हार्ट सेंटर,
he said this. I know what Dr. Bimal Shajar is. I want to hear. ऐसा है, दे आर हाई इन कोलेस्ट्रॉल्स, येस दे हैव कोलेस्ट्रॉल, सो इसीलिए एक मुट्ठी खाना सेफ है इफ़ यू हैव सेडेंटरी लाइफस्टाइल. अगर आप मैराथन रनर हैं, अगर आप भाग मिल्खा भाग हैं, बात समझ रहे हो, तो आप जितना मर्जी खाओ डजेंट मैटर. ओके, फिर तो आप घी खाओ एक एक लीटर, डजेंट मैटर, बिकॉज यू आर बर्निंग दैट एनर्जी. सो इट डिपेंड्स अपॉन योर फिजिकल एक्टिविटी. अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत तेज़ है तो आप चाह रहे हैं कि आपकी एनर्जी जो है वो आए फैट से, तो आप फैट खा सकते हो, वेरी सिंपल. हाँ, पर फैट भी ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा, प्रोटीन भी ज़्यादा, ये कोई मजाक थोड़ी है. सो ऐसा है, वन मुट्ठी इज सेफ, दो मुट्ठी ज़्यादा बस बहुत है. ऐसा नहीं कि किलो किलो खा रहे रोज. प्लीज़ टेल अबाउट ड्राई आइज़. ड्राई आइज़ जनाब, बुखार है, डिहाइड्रेशन है, आपने खाना नहीं खाया, आपने पानी नहीं पी, आपने आपको आँखों में एलर्जी है, आपको आँखों में इन्फेक्शन है, आँख के अंदर कोई एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, बहुत सारे कारण है. सही इलाज थोड़ा सा रो लीजिए. जस्ट किडिंग. आप टीयर ड्रॉप्स वाले आई ड्रॉप्स आते हैं, जो टीयर ड्रॉप्स होते हैं बेसिकली लुब्रिकेंट्स होते हैं आई के, वो ले सकते हो. आई डोंट, टीयर ड्रॉप ही नाम है शायद उसका, आप जाके देखोगे तो मिल जाएगा. और आप एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखा सकते हो, जो कि आई 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 ये कहाँ जा रहे बाबा जी, कितने चल रहे हो तुसी, लत पक गया. एनीवेज, अच्छा ड्राई आई हो गया, उसके बाद क्या है, सो सॉरी आई जस्ट एक्चुअली हैड अ बात, क्योंकि उसके बगैर मैं आपके पास आ नहीं पाता था. मैं कहा यार मस्त, अभी थोड़ा सा आते थोड़ी एनर्जी आएगी. राइट सर, डज ओवर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर डैमेज किडनी, एंड सर हाउ टू इंक्रीज HDL? नो माई फ्रेंड, अनलेस एंड अनटिल योर किडनी हैज़ ऑलरेडी हैज़ डैमेज, यानी अगर आपका EGFR का मतलब है क्या यार, EGFR का फुल फॉर्म देख लो, मैं भूल गया अभी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, मतलब किडनी से पर मिनट पर आवर कितना यूरिन बन रहा है, ठीक है, वो अगर वो आपका 90-100 से कम है, देन मींस योर किडनी कैन नॉट हैंडल अ लॉट ऑफ वाटर, तब आप ज़्यादा पानी नहीं पी सकते. नॉर्मल किडनी को कोई फ़र्क नहीं भाई साहब, ठीक है. ओके, HDL नहीं बढ़ाता पानी, ये कौन गलत आदमी बोला आपको, उसको जाके बोलना कि भाग यहाँ से. सॉरी बट सीरियसली यार, हाउ फूलिश पीपल आर इन दिस वर्ल्ड, आई डोंट, नॉट यू बट पीपल हु से दिस थिंग टू अदर पीपल, भाई साहब क्या है यार, तो क्यों दूसरों को उल्टे सीधे ज्ञान बांट रहे हो. एनीवेज सर, हाउ टू लो डाउन एलानिन ट्रांसमाइनेज? देखिए 40 का 45 इज एब्सोल्युटली ओके, राइट. ऐसा है, आपकी बॉडी में थोड़ा सा भी उल्टा सीधा खाना गया, थोड़ा सा भी मसाला ज़्यादा गया, थोड़ा ऑयल ज़्यादा गया, थोड़ा बाहर से खा लिया, थोड़ा हलवाई से खा लिया, थोड़ा ये खा लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, योर लिवर विल सिक्रीट मोर एंजाइम्स, राइट. अगर आप दारू पीते हो, आप सिगरेट पीते हो, तो बहुत सारे रीज़न है, राइट. 45 इज़ नॉट अ इशू, राइट. हाँ, आप लिवर का चेकअप कराइए, यानी अल्ट्रासाउंड करा के देखो फैटी लिवर तो नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो जरूर चेक कर लो, बस बाकी इसको कुछ नहीं करना. हेल्दी डाइट फॉलो करो, बेस्ट डाइट टू फॉलो डैश डाइट, हमारे वीडियो है, देख सकते हो आप, बढ़िया. अभी अभी भाई साहब हमारे को एक बंदे ने बोला, आप जाके इंस्टाग्राम पे हमारा पोस्ट देखिएगा, फेसबुक पे पोस्ट देखिए, अच्छा लगता है जब कोई ब्लड प्रेशर की दवा भी बंद होगी, बताओ लोगों की, सिर्फ वो एक सिंपल हमारे जो भी है एजुकेशन से, राइट. मैंने उसको ट्रीट नहीं किया, ही ट्रीटेड हिमसेल्फ बाय द एजुकेटेड मैटर. बाइपोलर डिसऑर्डर, भाई साहब आई एम नॉट अ न्यूरोलॉजिस्ट, आई मीन सॉरी क्या, न्यूरोलॉजिस्ट ना ही मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, सो आई हैव टू स्टडी दिस एंड मेक अ वीडियो. जैसे मैंने 3-4 चीज़ों के बारे में बनाया है साइकोलॉजी में, है ना. सो अभी तो आप अकेले पूछ रहे हो, अगर ज़्यादा लोग पूछेंगे तो मैं स्टडी करके उसका बना दूंगा, क्योंकि मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता जनाब, है ना. मेरे को जो पता भी है वो भी इन्फॉर्मेशन जो मैं US नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से कन्फर्म करके फिर मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है. इवन बींग अ डॉक्टर, ऐसे नहीं कि जो लोग भाई घर से उठे और हर एक चीज़ का भाई साहब पता है क्या होता है, ऐसा नो 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 नो. रॉक स्टार क्वेश्चन मार्क का जवाब है नहीं मेरे पास, टिक मार्क डालने का ऑप्शन ही नहीं है. सर मेरे पसलियों में दर्द होता है और इसके लिए कोई मेडिसिन बता दीजिए प्लीज़. अच्छा, और मेरे डॉक्टर ने ये दी है जी गैप 50 मिलीग्राम, पहले मैं पहले भी आपसे पूछा था, आपने रिप्लाई दिया नहीं, इसकी वजह
पसलियों में दर्द इज ए टिपिकल चेस्ट पेन, ठीक है, पसलियाँ यानी इन रिब्स के बीच में दर्द, ये हार्ट की वजह से हो सकता है अगर वे दौड़ने पर बढ़ रहा है, अगर ये रुकने पर ठीक हो रहा है तो हार्ट की वजह से, लंबी सांस लेने से हो रहा है तो ये लंग्स की वजह से हो सकता है, रिब्स केज की वजह से, कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस, प्लूराइटिस, मस्कुलर पाजम, मसल पेन, फाइब्रोमाइलजिया, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, राइट, 99 कारण है इसके। हार्ट को बचाना है मेन आपका उद्देश्य, कि हार्ट तो नहीं है, ECG कराओ, इको कराओ, TMT कराओ, ये तीन ठीक है, हार्ट को भूल जाओ, एक बार मसाज कराओ, मसाज से नहीं हो रहा, मसल रिलैक्सेंट ले लो, सिंपल सादा मसल रिलैक्सेंट, फ्लेक्सॉन MR, राइट, फ्लेक्सॉन MR ले लो, 3-4 दिन के लिए ठीक हो जाएगा, थोड़ी गैस होगी इसलिए साथ में गैस की दवा ले लो, पैंटोसिड, बस 4-5 दिन हो गया, और बार बार हो रहा है तो विटामिन डी विटामिन B12 चेक कराओ। लो भाई साहब पूरा इलाज बता दिया आपको, विटामिन डी B12 चेक करा के ठीक कर दो, माने करेक्ट करो उसको, कम है तो। रेखा भारद्वाज, सर मुझे हाइपोथायराइड है, वेट बहुत बड़ा है, कंट्रोल कैसे करूं, विटामिन डी की कमी है। आप खुद ही बता रहे हो, थायराइड हाइपोथायराइड की मेडिसिन लेना शुरू करिए, विटामिन डी के सप्लीमेंट लेना शुरू करिए, विटामिन B12 का सप्लीमेंट लेना शुरू करिए, थोड़ा सा वर्कआउट करिए, डाइट करिए, हाइपोथायराइड का पूरा वीडियो देखिए, हाइपोथायराइड बाय डॉक्टर, थायराइड बाय डॉक्टर एजुकेशन का पूरा सीरीज है, वो देखिए, खुश रहिए, बढ़िया आपको नॉलेज मिलेगा, वो नॉलेज का अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल करिए, एंड हाइपोथायराइड कंट्रोल हो जाएगा, राइट, मेडिसिन की रिक्वायरमेंट कम होगी कि नहीं होगी और क्या करना पड़ेगा वो सब उस वीडियो में समझाया है, विच थायराइड की 6 एपिसोड्स हैं, वो पूरा देखेंगे आपको सब समझ जाएगा। विटामिन डी के सप्लीमेंट डिपेंडिंग अपॉन विटामिन डी कितना है उसको लेना पड़ेगा, बार बार मैं बता चुका हूँ। D3 का सैशे आते हैं, ऑपराइज D3 इंजेक्शन आते हैं, 66 लाख के, 60,000 के, सो यू कैन टेक दैट फ्रॉम एनी डॉक्टर, नो बिग डील, ओके। हाउ ऑफन डू यू prescribe statin? I avoid prescribing statin unless and until the patient is not willing to exercise. If the patient is not willing to exercise and is always sedentary, is very overweight, yes, he needs statin. And if the LDL cholesterols are above 150, 180 and triglycerides, तो अलग चीज़ है, triglycerides should be more than 500. So इसके ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो है मिस्टर बेबी सुनार जी, हाँ देखा है आपके कमेंट्स मैंने, याद नहीं आ रहा अभी, बट चलिए मैं मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ बाय द वे, है ना, हर एक के रिप्लाई नहीं करता लेकिन पढ़ता हूँ। सो इसके लिए कोलेस्ट्रॉल बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करिए, उसमें बताया है कि कब देना चाहिए, वर्ड टू वर्ड फॉलो करता हूँ भाई साहब मैं उसको, ओके। हाउ मच हनी कैन वी टेक इन अ डे? जितना मर्जी लो जनाब, लिमिट थोड़ी है, बट उसमें शुगर है, ये बात याद रखिए। तो कायदे से उसको कार्बोहाइड्रेट समझना है, अगर बॉडी में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, मान लो आप कुछ नहीं खा रहे हो और सिर्फ हनी हनी खा रहे हो और प्रोटीन पाउडर खा रहे हो, खा सकते हो, मनाही नहीं है, तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है जहाँ तक एलोपैथी इज कंसर्न। आयुर्वेद में मैं जानता हूँ भाई साहब वो बोलते हैं ज़्यादा खा लिया हनी तो गड़बड़ है, एक चम्मच से ज़्यादा नहीं, गर्म पानी में डाल के नहीं, जहर बन जाता है, ऐसा नहीं होता, डाल के देख लो मरोगे तो बता देना, ऐसे कोई नहीं मरता, ठीक है ना, तो कोई नहीं मरता ऐसे। सो रिमेंबर, हनी जितना मर्जी खाओ अल्टीमेटली उसमें शुगर है, इट्स इक्वेलेंट टू 1 teaspoon ऑफ शुगर, राइट, एक चम्मच हनी एक चम्मच शुगर, तो जितना मर्जी शुगर खा लो तो आपके ऊपर है, पतले हो तो खाए जाओ, मोटे हो तो कम खाओ, कोई लिमिट की लिमिट नहीं है उसकी, है ना, जरूरी नहीं है। B12 लो का टेस्ट है, B12 विटामिन B12 टेस्ट कराइए, कम है तो खाइए, न्यूरोबियन खाइए, बी कॉम्प्लेक्स खाइए, बी कसूल खाइए, बी का डेक्सामिन खाइए, कुछ भी खाइए, एक रोज़ 2 महीने के लिए दूध पीना शुरू करिए, दिन में 2 बार, दूध नहीं पचता, दूध दही पनीर लस्सी छाछ जो मर्जी ले लो, ओके। 180 है, 180 बहुत कम है प्रीत हलवाल जी, इसको 400 तक पहुँचाइए, काम ये जो सब बताया ये सब खाइए एयर और ठीक हो जाइए। स्टैटिन बता दिया, सलाम डॉक्टर साहब, पाकिस्तान वालों को बहुत बहुत सलाम, राइट, बहुत इज्जत करते हैं, हमारा बहुत मन है पाकिस्तान जाने का, कभी बाबा जी ने बुलाया तो हम ज़रूर वहाँ आएंगे, है ना, हाँ जी। हेलो क्या है, प्री परमजीत, अच्छा ये नाम हमारा ही है, परमजीत जी को हेलो, व्हाट इज़ गरम एंड सर्दी? गरम एंड सर्द इज अ रिस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी कंजेशन, ठीक है, अगर आपकी बॉडी में जब भी ठंडी हवा लगती है, गले में ठंडा पानी, बाइक चलाते हुए मुंह खोल दिया, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, थोड़ा थोड़ा क्रैक, क्रैक्स को ठंडा ठंडा लगेगा, सो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट, कॉन्ट्रैक्शन कैन एक्चुअली वॉर फाड़ सकते हैं, सो कंजेशन इज़ वेरी कॉमनली डन इन ठंड में, ठंडी के मौसम में, सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर, जो हवा मुंह में जा रही है उसको प्रोटेक्ट करिए, नाक में जा रही है नाक के बाल अंदर अंदर तक मत काटिए, वो इंपॉर्टेंट है, वो गर्म करते हैं, उनका उद्देश्य है कुछ, है ना,
ठंड वाला कोल्ड वाला मेरा वीडियो देखो, कफ वाला मेरा वीडियो देखो, उसका बेसिक सब समझाया है। गर्म सर्द का मतलब यह है कि बहुत सिंपल है, ठंड के बाद गर्म, गर्म के बाद ठंड, इमीडिएटली बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरी नहीं करना चाहिए कहीं भी, स्किन पे, डाइजेस्टिव सिस्टम में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, कहीं पे भी, राइट? नॉट गुड फॉर योर बॉडी, ओके? दैट इज द सिंपल थिंग। आपकी एलर्जीज, किसी किसी को ठंड से एलर्जी है, किसी किसी को ये, कैन आई टेक डायनाबॉल, यू वांट टू से गुड बाय टू योर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, देन यू विल टेक, राइट? जब आप डायनाबॉल लेना शुरू करेंगे विदिन अ वीक, विदिन टू वीक्स, आप देखेंगे कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो लिबिडो और वो थोड़ी सी चीज़ें शुरू। आज ही मेरे पास एक पेशेंट आया था, नाम तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन होता है भाई साहब ऐसा। तो कृपया अपने शरीर, अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ के साथ खेलना मत खेलिए, ठीक है? जो आपको ऐसा बोलता है उसको इग्नोर कर सकते हैं, करिए, जिम चेंज कर सकते हैं, करिए, वरना आपकी मर्जी। स्टीरॉयड वाला मेरा वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा इससे क्या क्या होगा, ओके? मत लेना भाई साहब, राइट? एक डॉक्टर के साथ साथ एक इंसान की एडवाइस दे रहा हूँ, एक जनरल भाई जैसी एडवाइस है, गरीब मत लेना, मत लेना, ठीक है? शुभम मत लेना, दो दिन भी नहीं, एक हफ्ता भी नहीं, ओके? चलो दोस्तों, एक क्वेश्चन काफ़ी हो गए, अब हम चलते हैं। हम अभी कुछ खाना खा लेते हैं, हमारी घर वाले ने तो हमें बहुत मारेंगे। हो सकता है आज टाइम ना मिले तो मैं दूसरे लाइव्स ना करूं, लेकिन अगर आप इंतज़ार करेंगे तो मैं बता दूंगा कि मैं लाइव आने वाला हूं, तो ठीक है? तो क्षमा करिएगा, आज थोड़ी तबीयत नासाज है, इसलिए एक लाइव से काम चला लीजिए। इंस्टाग्राम वालों को भी सॉरी। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, गुड नाइट।